AJ! Yes, sir. Well, sir, मैं बोल रहे हैं कि लाइफ में जब भी क्रिकेटर सेंचुरी बनाते हैं, तो हमेशा ऐसे चीयर करते हैं, right? सर आपका सेंचुरी पूरे हुए, आज तो चीयरिंग बनते हैं। आपने आपने पासपोर्ट कब बदला था? आए मेरा नाम अच्छा यादव है, इधर एक बच्चा यादव रहते हैं, मैं उसको बाई है, मैं लंदन से आई है। Yes sir. और ये चड्डी तुमने आइसक्रीम वाले से मंगवाई है? इतने आइसक्रीम रंग का कच्चा मैंने पहली बार देखा है। It's so cute, yeah. क्या करे यार, सर मैं आपके बहुत बड़े फैन है। बहुत बड़े देख ही रहा है। सर मैं देखे आप एकदम शुरुआत में ऐसा दो बाइक के ऊपर खड़े होके शुरुआत किए थे, पर देखिए प्रभु का अनुपम कृपा से उसके बाद आपके पास गाड़ी 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 हो गए और इतना सारा गाड़ी हो गए कि रोहित शेट्टी के साथ मिलकर आप गाड़ी उड़ाने भी चालू कर दिए। लेकिन सर आप अकेले इधर नहीं उड़ाते, इधर ये अर्चना जी भी उड़ाती है। इन्होंने क्या उड़ाया? इन्होंने सिद्धू जी को उड़ा दिए। वैसे मैम आपसे एक बात पूछना है, आपको पता है कि एस्केलेटर जो होते हैं मॉल में रहते हैं और एयरपोर्ट पे रहते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज आप ही इंट्रोड्यूस किए थे। एस्केलेटर को बोलते हैं मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। She has to know that. Matera, some beach. Yeah, sure. It's so cool, yeah. Like in sir, aap apuran film kiye the. To sir, main janna cha rahe the. Uske liye aapko fees mile ke firauti mile. Aisa ikali puch liye sir, mere ko aise acha lagte hai bolne ke. Lekin sir, main aapko dekh se mere ko itna matlab main kya bolenge aapke aankhon mein एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कपूर शर्मा, वो अमेरिका का साइंस सेंटर कौन सा है जिधर ज्यादातर इंडियन लोग काम करते हैं? नासा। नासा, आपके आंखों में एक नासा है। नासा। मैं बोल रहे हैं कि ऐसा नशीले आंखों को देख के इंसान, मतलब आप भी आई एम श्योर एकदम वो हो जाते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये किधर रहते हैं, कहां से आते हैं? मड से, मड से, मड से, मड से। और घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स। हॉर्स, मड हॉर्स हो जाते होंगे उनको। ऑब्वियसली ऐसा आंखों में देख के तो मदहोश हो ही जाएंगे, मदहोश ये है। मैम आपका फिल्म आए थे गुप्त, मैं आपको विचार करने के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, अगर आपका फिल्म गुप्त चंद्रमा पे शूट हुए होते तो उसके क्या नाम होते? क्या होते? चंद्रगुप्त। सॉरी मैम। I'm sorry मैम, बहुत रैंडम थिंग। मेरे को मेरा ऐसा ही सब हृदय से निकलते हैं तो मैं बोल देते हैं। लेकिन मैम मैं बहुत बड़े फैन है आपके, वो DDLJ, वो क्या फिल्म है, मैं मतलब इतना बार वो फिल्म को देखे, और वो रेलवे स्टेशन का जो सीन है जिसमें एकदम एंड में आप अपने फादर वो क्या बोल रहे हैं, आप वो प्यास का क्या बड़े है भाव, हाँ आप बोल रहे भाऊजी भाऊजी। बाऊजी बाऊजी में प्यार करते हैं, मैं जाना चाहती है राज के साथ, मैं देखे मतलब वो सीन देख के मेरा आंख से ये मोटा मोटा अंजुन्स निकले ना। क्या निकले? अंजुन्स। अंजुन्स निकलते हैं, रोते हैं जब क्राई करते हैं। वैसे काजोल जी एक मैं आपको सलाह देने चाहते है। थिंग इज आपके साथ कुछ गलत हो रहे हैं। Really? क्या गलत हो रहा?
सर ने जो लास्ट फिल्म किए थे जिसमें आप नए थे उसमें ये प्यार मांग रहे थे, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे. अभी आपके साथ जो फिल्म कर रहे हैं उसमें स्वराज मांग रहे हैं. आप थोड़ा सा सर के ऊपर वो दीजिए, वो अभी वो कौन सा फसल आया है पंजाब में, धान, धान थोड़ा धान दीजिए उनको. करने क्या आए हो यहाँ पे आप? मैं सर, मैं भी सेम चीज करने आए जो सर फिल्म में कर रहे हैं. क्या? आजादी का लड़ाई. किससे? मैं लंदन में रहते हैं सर, मैं लंदन को अंग्रेजों से आजाद करके रहेगा. अबे वो पहले से ही अंग्रेजों का है. उन लोग का है? हाँ. मैं वापस ले लेंगे. मैं उनके पास नहीं, वो हमारे जगह लिए थे, मैं उनके जगह ले. मैं क्या करेंगे मैम, सर, मेरा प्लान है, मैं इधर से ना 150 यूपी का लोग ले जाके उधर छोड़ देंगे, फिर मैं इधर से 100 आंध्रा का लोग छोड़ देंगे, मैं 20 बांद्रा का लोग छोड़ देंगे, फिर मैं इधर से और 100 दिल्ली का लोग उधर ले जाके छोड़ देंगे. और पंजाब के? पंजाब के लोग तुम इधर से छोड़ेंगे तो मैं उधर ले जाके छोड़ेंगे ना. सारा का सारा पंजाबी इधर दबा के बैठे है ये आदमी. मैं बता रहे हैं आपको. लेकिन मेरे एक बार मैं लंदन को आजाद करा देगी ना सर, उसके बाद मेरे जीवन का खाली एक ही लक्ष्य रहेगा. क्या रहेगा? इधर भिन्न भिन्न जो पंजाबी है ना, उनको मैं कपूर शर्मा शो से आजादी दिलाएगी. तो यहाँ कौन गुलाम है मतलब? ये दिनेश तुमको आजाद दिख रहे हैं? ये आदमी तुमको आजाद दिख रहे हैं? वो गिटार नया है गले में, बेड़िए है वो. यहाँ से मुझे बगावत की बू आ रही है. फांसी का पंदा लगा के बैठे है, मजबूरी में बैठे है सर, यहाँ पे एकदम मजबूरी में बैठे है. मैं बता रहे ये आदमी को ना इंडियन आइडल में जाने है, लेकिन ये आदमी जाने नहीं दे रहे है. दिनेश तुम मेरे को डी माइनर दो, मैं तुमको इंडियन आइडल दे गए. और अगर बाय चांस उधर पहुंच के जजेस तुमको बोले कि तुम मुंबई नहीं आ सकते, तो मायूस नहीं होने के, तुम पंजाब से है, कनाडा का दरवाजा हमेशा खुला है तुम्हारे लिए. सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, मैं लंदन जाके सब ठीक कर देंगे, मैं 4 गुना लगान वसूल करेंगे उधर जाके. मैं अंग्रेज से अंग्रेज बजा देंगे. अबे ईंट से ईंट बजाना होता है. उधर जाके ईंट कौन ढूंढेगे ब्रो? सॉरी मैम, मेरे को फोन आया है. सो कैन आई टेक दैट इफ यू डोंट माइंड? या सॉरी. मैं बहुत फेमस आदमी है तो मेरे को लोग, ओए नो, हॉलीवुड का मॉर्गन फ्रीमैन एक्टर है, मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात करेगी. या मॉर्गन, ए देखो ए, तुम मॉर्गन अपना गन अपना जेब में रखो, हमारे पास इधर देवगन है. Alright? और ये भी बता दे कि आपसे काफी ज्यादा बिजी मैन है, आप तो फ्री मैन है, आप फ्री रहो. इधर बहुत बड़ा बड़ा लोग आए, अभी डिस्टर्ब मत करो हमको. क्या? ओके ओके ओके. ओ मैम, ये बोल रहे हैं कि इनका भी पहला प्यार अधूरा रह गया, तो पूछ रहे हैं कि करण जोहर पूरा करा देंगे. मैं बता रही है, एपिसोड देखेंगे तो जरूर करा देंगे. बोल रहे हैं शायद करा देंगे. चलो मॉर्गन, मैं फोन काट रहे हैं. मैं सर, मेरे को अभी जाने के रहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं ज्ञान का बात पेल सकते हैं ब्रो? पेलिए. जी मैं खाली बोलना चाह रहे थे कि सर आपको कभी नजर नहीं लग सकते. कैसे? क्योंकि काजल हमेशा आपके साथ है. थैंक यू सर, मैं चलते हैं. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. ऑलराइट, लव यू. या, थैंक यू.